أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم एक्सरसाइज नंबर 6.6 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एल ओवर आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। हमने क्या करना है, फाइंड द पिडल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन कर्व। हमने हर जो कर्व्स हमारे पास गिवन है उनकी पिडल इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हम पिडल इक्वेशन निकालेंगे, सेम है। आगे इंशाल्लाह 16, 17 ये सारे चेंज हैं, पहले 11 से 15 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास गिवन। एल ओवर आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, ये चीज हमारे पास गिवन है। पिडल इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। पिडल इक्वेशन हमारे पास होती है 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर की 4 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, ये है हमारे पास पिडल इक्वेशन। अब चूंकि हमने पिडल इक्वेशन फाइंड करनी है, पिडल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो जो वैल्यूज हमें चाहिए हम वो फाइंड करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारी वैल्यूज को फाइंड कर लें, और सारी वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पे चाहिए डी आर ओवर डी थीटा, आर की 4 आर स्क्वेयर 1 ओवर पी स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी आर ओवर डी थीटा निकालते हैं। डी आर ओवर डी थीटा निकालने के लिए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 हमारे पास गिवन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। हम लिख लेते हैं इसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। एल ओवर आर है हमारे पास, एल जो है हमारे पास बाहर आ जाएगा, 1 ओवर आर का डेरिवेटिव लेंगे। मैंने आपको पीछे भी बताया था 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारे पास फॉर्मूलाज में भी गिवन है, और वैसे भी अगर आप इसको ऊपर ले जाएं एक्स की पावर माइनस 1 करें तो हमारे पास क्या होता है, पावर स्टार्ट में पावर में से माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2 आ जाएगा। जब आप इसे नीचे लिख के आएंगे माइनस 1 एक्स की 2 आ जाएगा। तो हमने 1 ओवर आर का डेरिवेटिव लेना है, हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर। माइनस 1 को इस एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। 1 का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, 0 आ जाएगा। प्लस ई कोस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा का अगेन लेंगे तो डी थीटा ओवर डी आर आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से हमने इस के अकॉर्डिंग डी आर व डी थीटा निकालना है, तो डी थीटा व डी आर को यहीं रहने दें, इस सारी इक्वेशन को वहाँ ले जाएं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एल ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई साइन थीटा डी थीटा ओवर डी आर। इसको यहीं रहने दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा माइनस एल ओवर माइनस ई साइन थीटा, और ये वाला आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ स्टार्ट में आ जाएगा डी थीटा ओवर डी आर। माइनस माइनस से कैंसिल। अब यहाँ पे देखें, हमें क्वेश्चन में डी आर व डी थीटा चाहिए, तो यहाँ पे डी थीटा ओवर डी आर ऐसे उल्ट कर लेंगे, डी आर ऊपर चला जाएगा, डी थीटा नीचे आ जाएगा। अब अगर हमने इसको उल्ट किया तो ये भी उल्ट हो जाएगा, हमारे पास आर स्क्वायर ई साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, एल हमारे पास नीचे आ जाएगा। हम अगर क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे डी आर व डी थीटा का स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। आप ये नेक्स्ट स्टेप में लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी आर व डी थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर लेंगे, आर फोर ई से स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पिडल इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर फोर डी आर थीटा, डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन देखें, हमारे पास है 1 ओवर पी स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर की 4 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, हमारे पास ये गिवन है, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा आर की 4 ई स्क्वायर
साइन स्केयर थीटा ओवर एल स्केयर, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे देखें आर फोर जो है वो आर फोर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आर फोर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा वन ओवर आर स्केयर प्लस ई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर एल स्केयर, ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमने r की वैल्यू पुट करनी है वन ओवर आर स्केयर। तो यहाँ से देखें अगेन क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि अगर हमने यहाँ से वन ओवर आर की वैल्यू निकालनी हो, r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर आर की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू आएगी वन प्लस ई कॉस थीटा ओवर एल। तो यहाँ पे r की जगह हम पुट कर देते हैं वन, वन ओवर आर है, अगर हम इसे वन ओवर आर का होल स्केयर लिख लें प्लस ई की टू साइन स्केयर थीटा ओवर एल स्केयर, वन ओवर आर की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से हमारे पास आ रही है, एल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वन ओवर आर की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस ई कोस थीटा ओवर एल का स्केयर प्लस ई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर एल स्केयर। अब यहाँ पे स्केयर खोलेंगे हम इसका, वन प्लस ई कोस थीटा का अगर हम स्केयर खोल लें, ए प्लस बी का होल स्केयर, आपने फार्मूला खोल लेना है, वन का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, नीचे आ जाएगा एल स्केयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर एल स्केयर। अब प्लस है तो हमने एलसीएम लेना है, एल स्केयर नीचे आ जाएगा, ऊपर के सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगा ऊपर वन प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ई कोस थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू वन ओवर ई स्क्वायर के। अब इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से ई स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से हम ई स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, वन प्लस ई स्क्वायर अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ई कोस थीटा, नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि इक्वेलेंट टू वन के होता है, इसकी जगह हम इक्वेलेंट टू वन पुट कर देंगे, वन को ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ई स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कोस थीटा ओवर एल स्क्वायर इक्वल टू वन ओवर पी स्क्वेयर के इक्वेलेंट हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टू ई कोस थीटा है, अब अगर यहाँ पे टू ई कोस थीटा है तो अगेन हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगर अगेन हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं टू ई कोस थीटा देखें, क्वेश्चन था हमारे पास एल ओवर आर बराबर है वन प्लस ई कोस थीटा, ये वन यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, एल ओवर आर माइनस वन इक्वल टू ई कोस थीटा के आ जाएगा। अब ई कोस थीटा की जगह एल ओवर आर माइनस वन पुट कर देंगे हम, हमारे पास आ जाएगा वन ओवर पी स्क्वायर बराबर है वन प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई कोस थीटा की जगह हम एल ओवर आर माइनस वन पुट कर देंगे, नीचे एल स्क्वायर, ये वाला एल स्क्वायर आप बाहर कॉमन निकाल लें, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, वन प्लस ई स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लें अंदर, एल माइनस आर आ जाएगा, नीचे आर मैंने एलसीएम ले लिया है ताकि ये जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वन ओवर एल स्क्वायर हमने पूरे आर का एलसीएम ले लेना है, आर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, आर प्लस आर ई स्क्वायर टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस टू एल माइनस टू आर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आर बाहर आ जाएगा, वन ओवर आर एल स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ रहा है, ये माइनस टू आ रहा है, इनके वेरिएबल सेम हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे, आर में से माइनस टू आर निकाला, हमारे पास आ जाएगा आर ई स्क्वायर माइनस आर प्लस टू एल। अब अगर आपने इसमें से आर कॉमन निकालना है, आप कॉमन निकाल लें, अगर आपने इसी तरह लिखना है तो आप इसी तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एल
और 1 ओवर r l स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर p स्क्वायर, ये जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने पीडल इक्वेशन निकालनी है, वो है हमारे पास r इक्वल टू a थीटा के। सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था पीडल इक्वेशन निकालने के लिए, इसे भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे। r की जगह हमारे पास आ जाएगा इक्वेलेंट टू 1, a का a आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा d थीटा ओवर d r। ए यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ओवर a इक्वल टू d थीटा ओवर d r आ जाएगा। हमें d r व d थीटा चाहिए, हम उल्ट कर लेंगे, d r ऊपर आ जाएगा, d थीटा नीचे आ जाएगा, ये भी उल्ट करेंगे तो a आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। आप यहीं पे इसका स्क्वायर लेना चाहते हैं यहीं ले लें, नहीं तो आगे पीडल इक्वेशन में ले लें। हमारे पास पीडल इक्वेशन है 1 ओवर p स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर प्लस 1 ओवर r4 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, 1 ओवर r स्क्वायर हमारे पास यही रहेगा प्लस, सॉरी यहाँ 4 आना था, 1 ओवर r की 4, डी आर ओवर डी थीटा की जगह हम ए पुट कर देंगे, ए का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, 1 ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर r4, जब 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। आप यहाँ तक चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करें, r4 का LCM ले लें, r4 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, ये 2 2 से कैंसिल, r स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर p स्क्वायर के, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास r इक्वल टू a साइन m थीटा, r इक्वल टू a साइन m थीटा। इसको भी सिंपली हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर किया है इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कर लेंगे r के, और d r ओवर d थीटा निकाल लेंगे, इसमें से भी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर के। आर की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा ए, साइन एम थीटा की जगह कोज एम थीटा, अगेन एम थीटा का डेरिवेटिव लिया एम आ जाएगा, फिर अगेन थीटा का डेरिवेटिव लिया तो डी थीटा ओवर डी आर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमने डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ए एम कोज एम थीटा इक्वल टू डी थीटा व डी आर, डी आर व डी थीटा निकालना है हमने, इसको उल्ट कर दें, डी आर ऊपर चला जाएगा, डी थीटा नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको भी उल्ट करेंगे, ए एम कोज एम थीटा आ जाएगा, नीचे 1 हम नहीं लिखेंगे नीचे, क्योंकि 1 आ जाता है। पीडल इक्वेशन में पुट करें, पीडल इक्वेशन है 1 ओवर p स्क्वायर बराबर है 1 ओवर r स्क्वायर प्लस 1 ओवर r की 4 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर, 1 ओवर r स्क्वायर हमारे पास वैसे ही रहेगा प्लस 1 ओवर r की 4 भी वैसे ही रहेगा, डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर को स्क्वायर एम थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कोस स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास साइन में है तो हम कोस स्क्वायर को साइन में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर r स्क्वायर प्लस 1 ओवर r की 4, इसको लिख लें ए स्क्वायर एम स्क्वायर, कोस स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एम थीटा। आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एम थीटा के इक्वेलेंट होता है, ये मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, कौन सा देखें, हमारे पास मेन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वेलेंट टू 1 के, तो यहाँ पे हमें कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा इक्वेलेंट टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो मैंने पुट कर दिया है।
अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा के इक्वेलेंट आ गया है, तो क्वेश्चन है हमारे पास आर इक्वल टू ए साइन एम थीटा। यहाँ से हमने साइन एम थीटा की वैल्यू निकालनी है, एक यहाँ के डिवाइड हो जाएगा आर ओवर ए आ जाएगा, इसकी जगह हमने पुट कर देना है आर ओवर ए, इसकी जगह साइन स्क्वेयर एम थीटा की जगह आर ओवर ए आपने पुट करना है, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही आएगी। यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1/p² इक्वल टू 1/r² + 1/r³ a² m² इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर m थीटा है, तो हमारे पास r² / a² आ जाएगा। यानी कि साइन एम थीटा इक्वल टू आर ओवर ए आ रहा है, साइन स्क्वेयर एम थीटा लेना है तो इसका हमने स्क्वेयर ले लिया है, 1/r² + 1/r² a² m², यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वेयर का, ए स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई किया, a² - r² ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/r² + 1/r² m² * a² - r² इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बस हमारा यहीं तक था, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, आर इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी कोस थीटा आ गई है, यहाँ पे भी सिंपली हमने क्या करना है, डी आर ओवर डी थीटा चौके निकालना है। इसका एक और भी मेथड है, मैं तो इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर रही हूँ, आप इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे फिर डायरेक्टली हमारे पास डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं ऊपर वाले मेथड से किए हैं, डी थीटा ओवर डी आर के, हमने इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर किया है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी कर सकते हैं, पहले दो क्वेश्चंस में भी और यहाँ पे भी। आप इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करके करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आप इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके देखें तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने पहले चूंकि आपका दो क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करके दिखा दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके दिखा देती हूँ। वैसे मैं आर से भी कर देती हूँ, थीटा से भी कर देती हूँ, दोनों आमने सामने कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर सेम आता है। इधर हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, और इधर हम इसी वैल्यू को करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सॉरी ये बात मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, इधर करते हैं डिफ्रेंशिएट, आर की जगह 1 आ गया, ये 0 आ गया, इसका बी का बी आ गया, कोस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के, और थीटा का गेन डी थीटा ओवर डी आर आ गया हमारे पास, डी थीटा ओवर डी आर यहीं रहेगा, ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू डी थीटा ओवर डी आर आ जाएगा। हमें डी आर और डी थीटा चाहिए, उल्ट कर देंगे, अगर हम इसको उल्ट करेंगे तो इसे भी उल्ट कर देंगे, माइनस बी साइन थीटा आ जाएगा। अब सिमिलरली हम इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करके देखते हैं, आर की जगह आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, ए की जगह 0, और ये हमारे पास आ जाएगा बी, कोस की जगह आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और 0 में से माइनस बी साइन थीटा निकला, बी साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा के। तो आप इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, देखें हमारे पास आंसर सेम आया है, ऊपर वालों का भी सेम आएगा अगर आप ठीक से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम इसे पीडल इक्वेशन में पुट करते हैं, 1/p² बराबर है 1/r² + 1/r² डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वेयर, डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वेयर आया है माइनस बी साइन थीटा के, मैं डायरेक्ट इसका स्क्वेयर पुट कर रही हूँ तो आ जाएगा b² sin² θ। अब देखें क्वेश्चन था हमारे पास कोज में और ये हमारे पास आ गया साइन में, तो इसको हम क्या करेंगे, कोज में चेंज करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/r² + 1/r³ b² को बाहर लिख लें, साइन स्क्वेयर की जगह आ जाएगा 1 - cos² θ, जिसका मैंने भी आपको पहले पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले में बताया, सेम उसी तरह ये भी आएगा 1 - cos θ। अब अपने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकालें, ये a यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, b मल्टीप्लाई हो रहा है, आके डिवाइड हो जाएगा, तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा r - a/bk। तो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ 1/r² + b² / r² 1 - cos की जगह आ जाएगा r - a/b² r² + b² / r² वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका स्क्वेयर खोलेंगे 1 माइनस
नीचे आ जाएगा बी स्क्वेयर, ऊपर आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए आर, और ए माइनस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला खोलें। अब बी स्क्वेयर है नीचे तो हम एलसीएम ले लेंगे, वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर आर फोर, नीचे हम एलसीएम लेंगे बी स्क्वेयर का, बी स्क्वेयर को वन से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर। यहाँ भी मैंने क्या किया है, बाहर माइनस था तो मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए, आप भी यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर दें। बी स्क्वेयर से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस ऊपर ये टर्म नीचे आर फोर, यानी कि पीडल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस ऊपर हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर ओवर आर की फोर। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे आर की फोर, आर की फोर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, ये इससे कैंसिल, प्लस बी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर, वैसे ही इसको इससे किया टू टू आर स्क्वेयर को वन से मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वेयर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर पी स्क्वेयर हमारे पास इक्वेलेंट टू आ जाएगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू ए आर आर की फोर, और यही जो है वो हमारे पास हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास आर इक्वल टू ए इंटू वन माइनस साइन थीटा, सिमिलरली इसको भी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर लें या विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लें, आंसर दोनों तरह से वही आता है। मेरा ख्याल है हम इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर लेते हैं, डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा कह रही हूँ मैं, आप आर भी कर सकते हैं, सेम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आई थिंक डेरिवेटिव आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं इसलिए आपको इस चैप्टर पे आके डेरिवेटिव समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ए हमारे पास ऐसा कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और ये इक्वेलेंट आ जाएगा माइनस ए कोस थीटा के, जब आप ए को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास आ गया है। पीडल इक्वेशन में पुट करते हैं, वन ओवर पी स्क्वेयर बराबर है वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस वन ओवर आर की फोर, डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वेयर तो हम इसका स्क्वेयर ले लेते हैं, आ जाएगा ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर के साथ जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस अगर हम स्क्वेयर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब फिर ये कोस स्क्वेयर थीटा आ गया, आंसर फिर हमारे पास क्या है, साइन में है, सॉरी क्वेश्चन साइन में है, तो यहाँ से साइन की वैल्यू निकालेंगे, आर ओवर ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया, आर ओवर ए वन यहाँ माइनस हो रहा है सॉरी प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा, और इक्वल टू माइनस साइन थीटा के आ रहा है तो माइनस साइन थीटा यहाँ के साइन चेंज कर देगा तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा वन माइनस ए ओवर आर। ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं, वन ओवर पी स्क्वेयर इक्वल टू वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस वन ओवर आर की फोर, ए स्क्वेयर बाहर अंदर हम लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को वन से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वेयर ओवर आर फोर, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह आ गया वन माइनस ए ओवर आर का स्क्वेयर। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ का एलसीएम लेंगे, बाकी सारी टर्म वैसे ही आएगी, वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर आर फोर, वन माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा, आर को वन से मल्टीप्लाई करें, आर वन आर हमारे पास आ जाएगा आर माइनस ए ओवर आर का स्क्वेयर, वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर आर फोर, इसका फॉर्मूला खोलें, वन माइनस ऊपर आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस टू ए आर, फॉर्मूला खोल गया नीचे आर स्क्वेयर, ठीक है, वन ओवर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर आर की फोर, आर स्क्वेयर को वन से मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वेयर माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल, आर स्क्वेयर नीचे आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा सॉरी यहां से मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है क्या, कि
कि यहाँ पे आर ओवर ए आना था, आर ऊपर आना था, ए नीचे आना था, ठीक है। और हमारे पास आर ओवर ए आना था यहाँ पे, यहाँ पे बस मिस्टेक है। यहाँ पे आर आना था, यहाँ पे ए आना था, फिर यहाँ पे ए आना था, यहाँ पे आर आना था, यहाँ पे ए आना था। फॉर्मूला हमारे पास यही खुलेगा, जस्ट हमारे पास यहाँ ए स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर, और यहाँ पे भी ए स्केयर आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, ए स्केयर से कैंसिल होगा, आर की वैल्यू हमारे पास कैंसिल नहीं होगी। ये वाला ए स्केयर, ये ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/r² प्लस यहाँ से 2ar, r² 2ar आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 1/r³ अंदर आ जाएगा यहाँ पे 2ar माइनस r², इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी नीचे। इसके पूरे हम क्या करते हैं, आर की 4 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे आर की 4 का, हमारे पास है 1/r² प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आर 4 है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2ar - r². अब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 1/p² हमारे पास आ जाएगा, आर फोर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, आर फोर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, नीचे आर फोर आ जाएगा, ये आर स्क्वेयर प्लस 2ar - r² आ जाएगा, कैंसिल ईच अदर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2ar/r⁴। और यही जो है वो हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 हमारे पास यही थे, पीडल इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो है वो देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ये हम बुक से देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है शो द कर्व्स आर एम इक्वल टू ए एम कोज एम थीटा एंड आर एम बराबर है ए एम साइन एम थीटा, कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। हमने बताना है कि ये जो दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं। अगर ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं तो हमारे पास एंगल 90 आता है। अगर तो ये एंगल बिटवीन टू कर्व्स हमारे पास 90 हो, इक्वेलेंट टू 90 हो। देखें हमने ये लाइंस पढ़ी थी, ये देखें ये दो 90 के एंगल्स हैं, आपस में अगर ये इधर कट करते हैं तो हम कहते हैं ये ऑर्थोगोनली हैं। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। आर एम हमारे पास गिवन है ए की पावर एम कोज एम थीटा, बी की पावर हमारे पास गिवन है आर एम बराबर है ए एम साइन एम थीटा। ये ए बी आप ना भी कहें, ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमने क्या करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन देखें इसकी पावर्स हैं, इसकी पावर्स हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको डकली भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा तो इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इधर भी लॉग ले लेते हैं, इधर भी लॉग ले लेते हैं। टेक एल एन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी हम करते हैं टेक एल एन बोथ साइड, यहाँ पे ln लेंगे तो m जो है पावर जो है स्टार्ट में आ जाती है ln r बराबर है, यहाँ पे भी पावर स्टार्ट में ln a, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देते हैं ln cos m थीटा। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस चीज़ को भी इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करना है इसको। अब इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर लें, क्योंकि हमें डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू चाहिए है। तो मर्जी है आपकी कि आप इसे यानी कि कुछ भी कर लें, तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब एम वैसे ही ln r का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/r, r का अगेन लेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा। एम ln a इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू तो इसका 0 आ जाएगा। ln cos थीटा का 1/cos m थीटा, cos का जब अगेन लेंगे तो -sin m थीटा, अगेन m थीटा का लेंगे -m sin थीटा, और अगेन थीटा का लेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब देखें ये वाला m इस m से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/r dr/dθ इक्वेलेंट टू sin m थीटा/cos m थीटा। आपको बताया टेन साई इक्वेलेंट टू आर डी आर व डी थीटा के इक्वेलेंट होती है, यहाँ पे हमें आर चाहिए, इसको ओल्ड कर लेंगे आर आ जाएगा,
तो फिर अगर हम इसको उल्ट कर रहे हैं तो हम इसको भी उल्ट करेंगे, कोज एम थीटा हमारे पास ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन एम थीटा हमारे पास नीचे आ जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा टेन साई, इक्वेलेंट टू टेन साई क्यों होता है, इक्वल टू माइनस कोट एम थीटा। सिमिलरली आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सेम इन्हीं लाइंस पे, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वेलेंट टू साइन एम थीटा ओवर कोस एम थीटा। ये जस्ट डेरिवेटिव था इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिया, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी टेन साई के इक्वेलेंट, टेन साई साइन एम थीटा ओवर कोस एम थीटा हमारे पास टेन एम थीटा के इक्वेलेंट आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, टेन साई वन टेन साई टू हमारे पास आ गया है, ये टेन यहाँ पे जो है वो टेन है, दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, तो साई हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एम थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से साई हमारे पास आ जाएगा एम थीटा के इक्वेलेंट साई टू। अब हमने साई वन की वैल्यू निकालनी है, माइनस कोट एम थीटा, ये मैंने आपको पहली एक वीडियो में जो है वो फंक्शन समझाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के, अलाइड रेशियो फंक्शन जो समझाए थे उसमें मैंने आपको बताया था माइनस कोट एम थीटा जो है वो टेन पाई बाय टू प्लस एम थीटा के इक्वेलेंट होता है, और ये कैसे इसके इक्वेलेंट होता है ये भी वहाँ पे आपको बताया था, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ये अलाइड एंगल के नाम से, रेशो अलाइड एंगल के नाम से फॉर्मूलाज हैं, वहाँ चेक कर लें कि माइनस कोट एम थीटा जो है वो टेन पाई बाय टू एम थीटा के इक्वेलेंट हमारे पास होता है। अब देखें टेन साई वन है हमारे पास, टेन वहां जाके इन्वर्स होगा, साई वन हमारे पास आ जाएगा टेन इन्वर्स टेन पाई बाय टू प्लस एन थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा टेन साई। अब हमने एंगल निकालना है बिटवीन टू कर्व्स, तो हम एंगल निकालते हैं साई वन में से माइनस करते हैं साई टू को, साई वन माइनस साई टू तो आ जाएगा पाई बाय टू प्लस एन थीटा, और माइनस ये करेंगे माइनस एन थीटा, ये आपस में कैंसिल, फाइव बाई टू हमारे पास 90 डिग्री के इक्वेलेंट होता है, तो यह यहाँ पे हम कहेंगे हैंस द टू कर्व कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, हैंस टू कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा सिर्फ यहीं तक था, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है शो दैट द टेंजेंट टू द कर्डॉइड आर बराबर है ए इंटू वन प्लस कोस थीटा एट द पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री एंड थीटा इक्वल टू टू पाई बाई थ्री आर रिस्पेक्टिवली पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। हमने शो करना है कि टेंजेंट टू द कर्डॉइड जो है वो गिवन्स हैं, और एक दफ़ा वो पैरेलल लाइन के है और एक दफ़ा वो परपेंडिकुलर लाइन के है। तो क्वेश्चन है हमारे पास आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस थीटा, थीटा हमारे पास गिवन है पाई बाय थ्री एंड टू पाई बाय थ्री, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। अब हमने क्या करना है, एलएन ले लें बोथ साइड्स पे, या सिंपल इसका डेरिवेटिव ले लें। हमने क्या करना है, डी आर ओवर डी थीटा निकालना है, आर डी थीटा ओवर डी आर निकालना है यहाँ से भी, तो मैं क्या करती हूँ इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, आर की जगह हमारे पास आ जाएगा वन, ए इज अ कॉन्स्टेंट, वन की जगह जीरो, कोस थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा, अगेन थीटा का जगह डी थीटा व डी आर। अब हमने क्या करना है, डी थीटा व डी आर की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के, डिवाइड हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू डी थीटा व डी आर के। हमने क्या करना है, दोनों तरफ आर को मल्टीप्लाई कर देना है, डी थीटा व डी आर इक्वेलेंट टू आर को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और आर को हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर था ए इंटू वन प्लस कोस थीटा के, ए इंटू वन प्लस कोस थीटा के, ए ए से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और वन प्लस कोस थीटा और माइनस साइन थीटा रह जाएगा।
वन प्लस कोस थीटा, इसके दो फॉर्मूलाज हैं। यहाँ तो मैंने आपको ये पीछे बताया था पहले क्वेश्चन में कि वन की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय टू पुट कर लें, कोस थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू पुट कर लें, साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बाय टू कोस थीटा बाय टू पुट कर लें, या इस तरह कर लें कि कोस टू थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है वन, कोस थीटा हमारे पास इक्वल होता है वन प्लस कोस टू थीटा ओवर टू के। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे थीटा इक्वल टू टू थीटा क्या होता है, यहाँ पे हमें थीटा चाहिए, थीटा थीटा चाहिए, तो यहाँ पे हम कोस थीटा ओवर टू यहाँ पे भी एंगल से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी वन प्लस कोस थीटा ओवर टू आ जाएगा। हमने स्केयर रूट ख़त्म करना है, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा कोस स्केयर थीटा ओवर टू, टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन प्लस कोस थीटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले से कर लें, वन प्लस कोस थीटा की जगह आप यही पुट कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा ओवर टू, साइन थीटा की जगह हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा इक्वेलेंट टू इसके होता है, हमें साइन थीटा चाहिए, यहाँ पे भी एंगल को हाफ कर लेंगे, यहाँ पे भी एंगल को हाफ कर लेंगे। ये पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था, इसलिए हमें इतनी डिटेल से नहीं बता रही। यहाँ जगह माइनस टू साइन थीटा ओवर टू कोस थीटा ओवर टू, कोस कोस से कैंसिल, टू टू से कैंसिल, कोस थीटा ओवर टू साइन थीटा ओवर टू हमारे पास इक्वेलेंट टू होता है माइनस कोट थीटा ओवर टू के, ये चीज़ जो है इक्वेलेंट टू हमारे पास टेन साई के आ जाती है। माइनस कोट थीटा ओवर टू को जैसे हमने पीछे लिखा है, हम इसे टेन में चेंज कर लेंगे, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा ओवर टू आ जाएगा हमारे पास टेन साई का। अब टेन को हम इधर ले जाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा ओवर टू आ जाएगा हमारे पास, टेन टेन से कैंसिल, साई हमारे पास आ गया पाई बाय टू प्लस थीटा ओवर टू। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें कहा गया है कि एक दफ़ा वो पैरेलल है और एक दफ़ा वो ऑर्थोगोनली है, हमने यहाँ पे थीटा को पुट करना है, हम यहाँ पे पुट करेंगे थीटा इक्वल टू पाई बाय थ्री, तो साई हमारे पास आ जाएगी पाई बाय टू प्लस थीटा की जगह आ जाएगा पाई ओवर थ्री इंटू वन ओवर टू है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय टू प्लस पाई वन जर पाई पाई ओवर सिक्स। इसको हमने सॉल्व कर लेना है, एलसीएम ले लें, सिक्स एलसीएम आ जाएगा, सिक्स से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी टू थ्री जर सिक्स थ्री पाई सिक्स सिक्स से कैंसिल प्लस पाई हमारे पास आ जाएगा फोर पाई बाय सिक्स, टू टू जर टू थ्री जर टू पाई बाय थ्री। अब हमने चेक करना था कि ये पैरेलल हैं इस पे के नहीं, तो हम लेंगे साई इक्वेलेंट टू फाई प्लस थीटा, ठीक है, या आप इसको ले लें, इसको हम ले लेंगे फाई, फाई इक्वल टू साई प्लस थीटा, ठीक है, साई की वैल्यू हमारे पास आई है टू पाई बाय थ्री, तो हम इसे लेंगे टू पाई बाय थ्री प्लस थीटा की वैल्यू हमने ली थी यहाँ पाई बाय थ्री। अब इसको सॉल्व करें जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास थ्री नीचे एलसीएम आ जाएगा, टू पाई प्लस पाई थ्री पाई होता है, थ्री थ्री से कैंसिल और इक्वेलेंट टू पाई, पैरेलल होती हैं लाइंस 180 पे, पैरेलल लाइंस हमारे पास ये होती हैं और ये दोनों लाइंस 180 की होती हैं और ये भी हमारे पास 180 के आ गया, यानी कि ये पैरेलल है। अब हमने चेक करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फाई ले लेंगे, हम यहाँ से क्वेश्चन को अगेन स्टार्ट करेंगे, पाई बाय टू प्लस थीटा ओवर टू, ये थी हमारे पास साई की वैल्यू, पहले हम साई इक्वल टू लेट किया हुआ था साई के, तो हम साई लेंगे सबसे पहले, फाई हमारे पास आ जाता है साई प्लस थीटा, अब यहाँ पे साई की वैल्यू हम पुट कर देंगे, साई हमारे पास क्या आया था, साई था हमारे पास पाई बाय टू प्लस थीटा ओवर टू प्लस थीटा, यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, पहले हमने पाई बाय थ्री पुट किया है, अब दूसरी वैल्यू हमें गिवन है थ्री पाई बाय टू, तो हम थ्री पाई बाय टू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पाई बाय टू, हमारे पास साई की वैल्यू, फाई की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास आया था पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू प्लस थीटा। हमने क्या करनी है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है,
पाई बाय टू थीटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2π/3 इंटू 1/2, वैसे ही प्लस थीटा की जगह जगह 2π/3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, पाई बाय टू वैसे ही प्लस 2π को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2π, 3 2 जार 6 प्लस 2π/3, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। हमने इन तीनों का एलसीएम ले लें, इन तीनों का एलसीएम हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। 6 6 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी, 2 3 जार 6 3π आ गया, प्लस ये कैंसिल 2π आ गया, 3 2 जार 6 प्लस 2 2 जार 4π आ गया। इन्हें ऐड करें, 3 2 5 5 और 9 5 और 4 9π/6 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 और ये हमारे पास आ जाएगा 3π/2। अब 3π/2 हमारे पास क्या होता है, 270 का एंगल बनाता है, यानी कि एक एंगल इस तरह होता है, एक ये 270 का एंगल होता है जीरो का, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास ये होती हैं कि वो एक इस पॉइंट पे इसको कट कर रही हूँ अगर ये आगे चली जाए, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, वो भी देख लें क्या है। शो डैट टेन साई इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई ओवर वाई डी वाई ओवर एक्स प्लस वन। ये जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 6.6 के जो फर्स्ट वाले 4 क्वेश्चंस थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ इक्वेलेंट टू कैसे होती है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। वैसे तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है, आप पीछे से पेज नंबर 262 और 263 पे आए और वहाँ से आप ये चीज़ देखें, आपको वहाँ से भी वैसे समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देखें, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू हमारे पास आर कोस थीटा के इक्वेलेंट है और वाई जो है वो हमारे पास आर साइन थीटा के इक्वेलेंट है। ये अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो उसके इक्वेलेंट, उसकी अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वेलेंट आती है। वाई ओवर एक्स, वाई को एक्स पे डिवाइड करें, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा ओवर आर कोस थीटा, आर आर से कैंसिल, साइन ओवर कोस टेन थीटा के इक्वेलेंट आ जाएगा हमारे पास। अब हम कहते हैं इफ साइज द एंगल विच ऑफ द टेंजेंट, अगर साई एंगल है टेंजेंट का तो हम लिखते हैं इफ साई इज द एंगल, अगर साई हमारे पास कोई एंगल है विच द टेंजेंट, तो उसकी टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वेलेंट टू टेन साई के आ जाएगा। ये भी पेज नंबर 262 263 पे गिवन है, आप वहां से देख लें। और साई हमारे पास इक्वेलेंट टू फाई प्लस थीटा के है, ये भी गिवन है। यहाँ से फाई की वैल्यू निकालेंगे, थीटा यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम सारा कुछ उन्होंने पीछे दिया हुआ है, इन दोनों पे टेन अप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टेन फाई इक्वेलेंट टू टेन साई माइनस थीटा के, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप जो मैं कर रही हूँ, ये देखें टेन साई का यहाँ हम फार्मूला खोलेंगे, फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। टेन अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इक्वेलेंट टू होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा के, वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा के। तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पीछे हमारे पास आ जाएगा टेन फाई, टेन इंटू फाइव माइनस थीटा का फॉर्मूला खोलते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा टेन साई माइनस टेन थीटा, वन प्लस टेन साई टेन थीटा। अब हम टेन साई हमारे पास क्या आया है, टेन साई हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में डी वाई वाई डी एक्स आया है, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आप थोड़ा सा बैक जाके देखें, टेन साई हमारे पास आया है डी वाई ओवर डी एक्स, टेन थीटा है हमारे पास वाई ओवर एक्स, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, वैल्यूज पुट करनी है जस्ट आपने, टेन साई की जगह डी वाई ओवर डी एक्स, टेन थीटा की जगह वाई ओवर एक्स, टेन साई की जगह डी वाई ओवर डी एक्स, टेन थीटा की जगह वाई ओवर एक्स। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, नीचे एक्स जो है एक्स का एलसीएम ले लें आप,
इधर x का एलसीएम लिया तो x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई आ जाएगा। नीचे x से एलसीएम लिए, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। जो हमने इसके नीचे x एलसीएम लिया और जो इसके नीचे लिया है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो टर्म हमारे पास यही रह जाएगी और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लें। वो कह रहा है शो डैट एट एनी पॉइंट ऑफ द लेमनिस्केट आर स्केयर इक्वल टू ए स्केयर कोस 2 थीटा 0 लेस देन इक्वेलेंट टू थीटा लेस देन इक्वेलेंट टू पाई बाय 4। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द आउटवर्ड पॉइंटेड नॉर्मल इज 2 थीटा। हमने बताना है कि 0 से पाई बाय 4 के दरमियान लाए करते हैं और इसका एंगल जो है वो हमारे पास 2 थीटा है। क्वेश्चन है हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा 0 लेस देन थीटा के लेस देन पाई बाय 4 के, ये उन्होंने हमें क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए डी थीटा व डी आर। डी थीटा व डी आर जिस तरह हम पीछे निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2r इक्वल टू ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस 2 थीटा का हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, थीटा का जगह डी थीटा ओवर डी आर, 2 थीटा का अगेन लेंगे तो माइनस 2 साइंस के 2 थीटा जगह 2, 2 से कैंसिल। हमें डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू चूंकि चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा आर ओवर माइनस ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा जगह इक्वल टू डी थीटा ओवर डी आर के। टेन साई बनाने के लिए हमें आर डी थीटा ओवर डी आर चाहिए, आर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्केयर साइन 2 थीटा आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखें आर स्केयर इक्वेलेंट टू हमारे पास है ए स्केयर कोस 2 थीटा के, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे टेन साई पुट करते हैं और इसकी जगह वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा टेन साई इक्वेलेंट टू, ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर कोस 2 थीटा, नीचे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ए से कैंसिल और ये चीज़ हमारे पास इक्वेलेंट टू आ जाएगी माइनस कोट 2 थीटा के। कोस ओवर साइन कोट होता है तो ये चीज़ हमारे पास माइनस कोट 2 थीटा के आ जाएगी। इसे हम टेन में चेंज करेंगे जैसे हम पीछे करते आए हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टेन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा, टेन ये कैंसिल हो गया और साई हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। 2 थीटा में पाई बाय 2 ऐड करें बस 2 थीटा आ जाता है और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो इसका आंसर है वो इक्वेलेंट टू 2 थीटा के आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लाइन टेंजेंट। पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम लाइंस पे हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। आर इक्वल टू हमारे पास गिवन है साइन 2 थीटा एंड पॉइंट्स हमारे पास गिवन है 1 एंड पाई बाय 4 के। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है। आर इक्वल टू साइन 2 थीटा हमारे पास गिवन है पाई बाय 4, ये कैंसिल 2 आ गया साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इक्वेलेंट टू हमारे पास होता है 1 के, यानी कि आर इक्वेलेंट टू हमारे पास 1 के आ गया। अब आर इक्वेलेंट टू 1 के आ जाता है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है डी आर ओवर डी थीटा निकालना है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं थीटा के, तो आर की जगह डी आर ओवर डी थीटा आ जाएगा, साइन की जगह जगह 2 कोस 2 थीटा। हमने इन्हीं पॉइंट्स को पुट करना है 2 कोस 2 थीटा की जगह जगह पाई बाय 4, ये कैंसिल कोस पाई बाय 2 आ जाएगा। कोस पाई बाय 2 हमारे पास इक्वेलेंट टू 0 के होता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अब हमारे पास r की वैल्यू 1 है,
डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास 0 है और पॉइंट्स हमारे पास 1 और पाई बाय 2 हैं। हमने क्या करना है, पुट करना है इसको इसके डेरिवेटिव में। थीटा हमारे पास गिवन है यहाँ पे पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 हमारे पास गिवन है। अब हम देखें, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास होता है, ये भी पीछे एग्जाम्पल में गिवन है, वहां से देख लें, डी आर ओवर डी थीटा साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा, डी आर ओवर डी थीटा कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा। हम इसमें वैल्यूज पुट करके डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास 0 आया है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस आर 1 है, कोस थीटा हमारे पास पाई बाय 4 है, डी आर ओवर डी थीटा 0 है, 0 पुट करेंगे ये सारी 0 हो जाएगी, माइनस आर 1 है साइन पाई बाय 4। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कोस पाई बाय 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कोस पाई बाय 4 ही आ जाएगा, 0 में ऐड किया कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन आ गया, 0 में से माइनस किया माइनस 1 ओवर 2, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दिया है, ये हमारे पास माइनस 1 के इक्वेलेंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव चेक किया, अब हमने एक्स और उसकी वैल्यूज चेक करनी है, एक्स और वाई की वैल्यूज। एक्स हमारे पास होता है इक्वेलेंट टू आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, आर की वैल्यू 1 है, कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 4 है, और ये हमारे पास 1 ओवर 2 आ जाएगी, कोस पाई बाय 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 की वैल्यू पुट कर दिया है। वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा, सिमिलरली आर की जगह 1 पुट किया है, साइन थीटा हमारे पास पाई बाय 4 गिवन है, मैंने आपको ऊपर बताया है, साइन पाई बाय 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें साइन पाई बाय 4, और इसको वैल्यू पुट की तो 1 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है लाइन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है हमने, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारे पास क्या होती है, यू नो दैट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमारे पास होती है वाई माइनस वाई वन इक्वेलेंट टू एम, वाई वन माइनस वाई वन इक्वेलेंट टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई हमारे पास वैसे ही आएगा, माइनस वाई वन की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर 2 जो भी हमने पीछे निकाली है। एम एम हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने माइनस 1 निकाली थी, एक्स हमारे पास वैसे माइनस एक्स 1 की वैल्यू 1 ओवर 2 आई है। हमने इसको सोल्व करना है, एलसीएम लें, स्क्वायर रूट 2 वाई माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 1 के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये वाला पहले आ जाएगा 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट बाद में आ गया नीचे स्क्वायर रूट 2, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स आएगा, ये इससे कैंसिल, आंसर हमारे पास यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2x प्लस ये यही है 2 अंडर रूट 2y और माइनस 1 ये वाला, ये यहाँ के माइनस 1 हो जाएगा इक्वेलेंट टू 0, हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर टू एक्स प्लस अंडर रूट टू वाई माइनस टू इक्वेलेंट टू 0। अब आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा एक्स इधर आ जाएगा वाई प्लस, ये देखें अगर हमारे पास 2 की पावर 1 है, इसे हम 2 की पावर 1 बाय 2 इंटू 2 की पावर 1 बाय 2 लिख सकते हैं ना, इन दोनों की पावर्स को ऐड करें 1 नहीं आ जाएगा, तो एक स्केयर रूट बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा स्केयर रूट, यहाँ पे माइनस ही आएगा सॉरी, क्योंकि माइनस आना है इक्वल टू 0, स्केयर रूट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस स्केयर रूट 2 इक्वल टू 0 के, और यही जो है वो हमारे पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो है वो सेम लाइन पे है, जस्ट वहां पे क्या है, आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा एट 1 एंड पाई बाय 2, हमें सेम इसी तरह वैल्यूज निकाल लेनी है जितना हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल ली है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आर की वैल्यू निकाल लेनी है, इसमें पाई बाय 2 पुट करके 1 प्लस कोस पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 0 होता है, और आर यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, डी आर ओवर डी थीटा निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन थीटा के इक्वेलेंट,
फिर हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है एट पॉइंट एट 1 और पाई बाय 2, इसमें वैल्यूज पुट करें पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2, आपके पास माइनस 1 के इक्वेलेंट होता है, माइनस 1 आ गया। अब देखें डी आर ओवर डी थीटा आपके पास माइनस 1 आ गया है, आर जो है आपके पास 1 आएगा और थीटा आपके पास पाई बाय 2 है। हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स में पुट करनी है इसकी वैल्यूज। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या था, डी आर ओवर डी थीटा साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा, डी आर ओवर डी थीटा कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करें, डी आर डी थीटा की जगह 1 पुट करें, साइन थीटा की जगह ये पाई बाय 2 पुट करें। इन सारी वैल्यूज को जब आप पुट कर लेंगे और पुट करने के बाद आपके पास आंसर जो है माइनस 1 ओवर ऊपर आएगा, नीचे माइनस 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू आर कोस थीटा निकालना है। x इक्वल टू आर कोस थीटा, r की वैल्यू हमारे पास आ गया है 1, कोस थीटा है पाई बाय 2, इक्वलन टू 0 आ जाएगा। y इक्वल टू आर साइन थीटा आपने निकालना है। ये मैं इसलिए फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि ये ऊपर वाले सेम स्टेप हैं, साइन पाई बाय 2 हमारे पास 1 आ जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकालनी है, x माइनस एक्स 1 बराबर है m इंटू सॉरी यहाँ पे आएगा y माइनस वाई माइनस वाई वन इक्वेलन टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वैसे ही माइनस वाई वन हमारे पास आया है 1 के इक्वेलेंट। एम हमारे पास क्या आया था, एम का आंसर हमारे पास 1 आया था, 1 आ जाएगा। एक्स हमारे पास एक्स माइनस 0 आ गया, हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस वन इक्वेलन टू एक्स में से 0 निकालिए एक्स, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एक्स इक्वल टू ये यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ के प्लस हो जाएगा, इक्वेलेंट टू 0। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आज हमारी 6.6 ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह कल से 6.7 स्टार्ट करेंगे। हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।